नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। जबलपुर मेडिकल से फरार जावेद खान नरसिंहपुर जिले के मदनपुर चेक पोस्ट पर पकड़ा गया। इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के आरोपी कोरोना पॉजिटिव जावेद खान को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में रखा गया था, जहां पर वह चकमा देकर भाग निकला। मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर से ट्रक में बैठकर राजमार्ग की ओर, वहां से मोटरसाइकिल चोरी कर इंदौर भागने की फिराक में था, जिसे पुलिस एवं प्रशासन द्वारा बड़ी सावधानी से पकड़कर जबलपुर के लिए रवाना किया गया है एवं उनके संपर्क में आने वाले 3 पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन भी किया गया है। आरोपी जावेद खान को पकड़ने वाले वन रक्षक प्रिंस साहू ने क्वारंटाइन से पहले जारी किया है वीडियो। आज सुबह करीब 7:30 बजे नरसिंहपुर जिले में मदनपुर बॉर्डर में थाना तेंदुखेड़ा अंतर्गत कल जो एक आरोपी रासुका का और जो कोरोना पॉजिटिव था जावेद, उम्र करीब 30 साल, रहवासी इंदौर का, उसको टीम द्वारा पकड़ लिया गया है। ये जो टीम है ये मदनपुर बॉर्डर पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम थी। इसमें करीब 9 लोग वहां पर उपस्थित थे। ये जानकारी में आया है कि ये जावेद जो है ये कल जबलपुर से निकला, भागा वहाँ से मेडिकल कॉलेज से, और एक ट्रक के ज़रिए ये राजमार्ग तक आया और राजमार्ग से फिर ये पैदल मदनपुर की तरफ गया। वहाँ इसने एक बाइक चुराने की कोशिश की और प्रशासन और पुलिस की टीम ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहादुरी के साथ उसको पकड़ लिया है। हमने जबलपुर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, उनकी टीम यहाँ आके उसे अरेस्ट करने के लिए आ रही है। साथ ही में IDSP के जो नरसिंहपुर कोऑर्डिनेटर है उनको भी डिस्पैच कर दिया कि जितने भी कांटेक्ट उनके पास आए हैं, इस पेशेंट के साथ संपर्क में आए हैं इस जिले के, उन सबको क्वारंटीन कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए और उनकी टेस्टिंग हो आने वाले दिनों में। सर, खबर मिली है कि सर जावेद नाम का एक व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित है, सर वो तेंदुखेड़ा बॉर्डर पर आया है सर मदनपुर। हाँ, ये खबर सही है। आज सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास जो है जावेद, जो कि जबलपुर से फरार हुआ था, कोरोना पॉजिटिव था, NSA का मुजरिम था, इस व्यक्ति को मदनपुर चेक पोस्ट पर जो है हमारी चेक पोस्ट की जो टीम है उसने पूरी सजगता से काम करते हुए इसको पकड़ा है। सर, जिस गाड़ी से वो आया था, आयसर वाहन है बताया जा रहा है सर, तो क्या जो वाहन चालक और क्लीनर है उसको भी क्वारंटाइन किया गया है? अभी जो बात हमारी उसके साथ हुई है, जावेद के साथ, जावेद ने बताया कि वो क्लीनर और ड्राइवर के संपर्क में सीधा नहीं आया था, उन्होंने उससे नीचे से बात की थी, इसके बाद वो पीछे जो ट्रक में खाली जगह थी उसमें वो बैठ के गए थे और बीच में रास्ते में उन्होंने उतार दिया था। आयशर के हालांकि नंबर की और कौन लोग कर रहे हैं उसकी अभी पहचान नहीं हुई है, उसके संबंध में जाँच चल रही है। यदि होगा तो उनको भी क्वारंटाइन करने के, या जिस भी जिले में पहुँचे होंगे वहाँ उनको सूचित किया जाएगा। सर, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम ने कार्य किया सर, इसके लिए कुछ मैं हमारी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। कई दिनों से लगातार रात दिन चौकसी कर रहे हैं, आपको पता है सीमा पर बड़ी तगड़ी हमारी सीमाबंदी हो रही है और SP साहब ने और मैंने निर्णय लिया है कि जो हमारी 10 सदस्यीय टीम वहाँ कार्यरत थी चेक पोस्ट पर, उन प्रत्येक सदस्य को हम जो है 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार उनको देंगे। सर, ये जो लोग उपस्थित थे सर, क्या इनको भी क्वारंटाइन किया गया है? हाँ, यहाँ पे अभी हम लोग उसको चेक कर रहे हैं। 3 लोगों ने उसको पकड़ा था, एक कोटवार है, उन्होंने उसकी गाड़ी को पकड़ा था और बाकी 3 लोगों ने उनको पकड़ा था। इसके अलावा प्राइमा फेसी ये जानकारी लगी है कि किसी एक घर में उसे जाके पानी भी पिया था, उस घर के भी 2 सदस्य हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के अभी 6 लोगों को अभी हमने प्रथम दृष्टया चिन्हांकित किया है, इन 6 लोगों को हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।